हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और नव वर्ष को आपने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियां लाए। और सबसे बड़ी खुशियां तो आपके लिए यही होगी कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और मेरी दुआ भी है, मेरी तमन्ना भी है ये, और आप लोग भी चाहिए कि आपको सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ बच्चों, अच्छे से मेहनत करिएगा तभी सिलेक्शन मिलेगा। कहते नहीं है कि ख्याली पुलाव बनाने से सिलेक्शन नहीं मिलता, कि बड़ी बड़ी बातों कर लेने से सिलेक्शन नहीं मिलता। जब तक कि हम जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो मैं एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। और गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बिट्टू बॉस जी, वर्तिका जी, प्रतीक्षा जी गुड मॉर्निंग, मनोहर प्रवीण जी, कल्पना जी, सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। आज हम अपने टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। वर्तिका जी बोल रही, सर आप कहाँ थे इतने दिन से? सर टेल मी हु आई एम। अरे अब मैं ये क्या बताऊं भाई कि आप कौन हैं? वर्तिका सैनी जी, मैं तो इतने दिनों से यही था, कहीं नहीं गया था। क्लासेस तो आप लोगों को मिली होंगी ना, ठीक है। 31 को भी क्लासेस मेरी मिली होंगी, 1 जनवरी को भी मेरी क्लासेस मिली होंगी, और सैटरडे संडे को भी मेरी स्पेशल क्लास थी। तो मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ थे। फिलहाल तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। और आज मेरा जो टॉपिक है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में हमें पढ़ना है। और देखिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने बाद आप देखेंगे, अपना गोल को सेलेक्ट करिए। एनटीए यूजीसी नेट आपका गोल है। उसके बाद अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड कराता है। और मैं हमेशा की तरह आपसे अपने प्यारे बच्चों यही बोलूंगा कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में EMI सिस्टम भी है, मंथली फीस भी आप पे कर सकते हो। तो बहुत कुछ फैसिलिटीज है आपके साथ, आपके पास, आपके लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है। और मेरा रेफरल कोड तो SAF10 यूज करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। SAF10 जैसे ही आप यूज करते हैं आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। और हाँ, स्पेशल क्लास को फ्री में देखने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लासेस अनलॉक करनी पड़ेगी। तो वहां पे भी SAF10 मत भूलिएगा। और बैक टू बैक मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ। और अपकमिंग बैचेस की आप स्क्रीन पर स्लाइड्स देख रहे होंगे कि अपकमिंग बैचेस शुरुआत हो चुकी है। तो भैया देर मत कीजिए, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि हरी अप, जल्द से जल्द आपको अपना प्लस पर सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करा दी जाए। चलो अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो गाइस, तो आई होप आप लोग जल्द लाइव आ चुके हैं और भी शेयर कर दीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रतीक्षा जी, मेरी हेल्थ बिल्कुल फाइन है। अरे थोड़ा बहुत तो ठंड में होता रहता है। अच्छा, आई एम नितिन सैनी, हो। तो भैया आप वर्तिका सैनी के तो आप कमेंट करेंगे दूसरे प्रोफाइल के, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। चलें, फिलहाल तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। भैया अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक, चलें टॉपिक पे आ जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इनके बर्न कब हुआ था? पैदाइश 23 मार्च 1910 में, 23 मार्च 1910 को लोहिया जी की पैदाइश हुई। और ये पैदाइश कहाँ हुई? अकबरपुर, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, यूपी। देखो, अगर आप में से कोई यूपी का होगा तो आप जानता होगा, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जानता होगा, जिसे आज अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, नया जो नाम चेंज किया गया है फैजाबाद का, ठीक है। और अकबरपुर वहीं पे पास में ही तहसील है, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी, जिसको अम्बेडकर नगर के नाम से भी आज जाना जाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट आती है, अपना अपना नाम चेंज करती रहती है। तो BSP गवर्नमेंट में इसका नाम अकबरपुर हो गया था, मतलब अकबरपुर से चेंज करके अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। और आज प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट में फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया। तो ये जानते रहिएगा, यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी, आज जैसे आप समाजवादी पार्टी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो डॉक्टर मनोहर लोहिया की ये विचारधारा है, और मैंने आपको सोशलिज्म के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में कई लेक्चर्स में आपको कवर किए हैं, मैंने अच्छे से समझाया है कि समाजवाद क्या होता है। तो आज भी हम इनके समाजवादी विचारधाराओं के बारे में देखेंगे। तो फाइनल जल्दी से भाई आप लोग आते रहिए, लेट मत किया करें। कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग छवि जी, आप यहाँ भी क्या? अच्छा वीरपाल कौर गुड मॉर्निंग, मैं तो बढ़िया हूँ वीरपाल जी, आप कैसे हो? आई होप आप लोग, और हाँ आप में से कुछ लोग पेपर वन की क्लासेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पेपर वन में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या पेपर वन नहीं पढ़ना है? एनवायरमेंट पेपर वन देखिए इतने शानदार तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे देखिए छवि जी और बिट्टू बॉस और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप लोग भी आइए वहाँ पे, पेपर वन की क्लास करिए। स्पेशल क्लास तो बिल्कुल मत भूला करें, मुझसे ज्वाइन होना। हो सकता है कि अभी टॉपिक आपको जो ग्रुप पे हो चुकी है वही चल रही है, लेकिन अब मैं स्पेशल क्लास पे नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाला हूँ, तो आपको सब नए तरीके से मिलेगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, बेफिक्र रहिएगा। चले भाई अब आप लोग आ रहे हैं तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो इनके हमने पैदाइश देखा, जन्मदिन देखा 23 मार्च 1910 को अकबरपुर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है। और इनके फादर का नाम हीरालाल था, आपके फादर का नाम क्या था? हीरालाल फादर का नाम था। एंड वीरपाल कौर जी तो अगर पढ़ना है तो 10 बजे लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल पे आ जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ 10 बजे रोज मंडे टू फ्राइडे लेट्स क्रैक वाले चैनल पे आ जाइए ना, लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल पर। अच्छा ठीक है, कर लीजिए तैयारी सीटेट वगैरह का, एस्टेट का पेपर था उसे। फिर इनके फादर जो उनका नाम था हीरालाल था, और ये हीरालाल जी क्या थे? बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम फाइटर थे, और गांधी जी के क्या थे? ये फॉलोअर थे, और बाई प्रोफेशन एक टीचर भी थे। सोचो एक शिक्षक भी थे, गांधी जी के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, और ये फ्रीडम फाइटर्स भी थे। और इसी वजह से अपने फादर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि देखिए इनके फादर की जो एक्टिविटीज थी वो फ्रीडम फाइटर्स वाली एक्टिविटीज थी। गांधी जी को बहुत जबरदस्त तरीके से भी ये फॉलो किया करते थे, बाई प्रोफेशन ये टीचर भी थे। तो इन्हीं सारी शिक्षाओं का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन में बहुत असर पड़ा, खासकर अपने पिता से बहुत ही प्रभावित हुए, और बहुत ही कम एज में एट वेरी अर्ली एज ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये बहुत ही कम समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करने लगे, और इसी वजह से ये आगे अब बढ़ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं प्रतीक्षा जी, कोई बात नहीं प्रतीक्षा जी, कल्पना जी, कोई बात नहीं, चलो। At very early age he was introduced to Indian national movement, और इसी वजह से ये बहुत कम उम्र में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये शामिल हो जाते हैं। और देखिए जब इनके पिता कहते हैं ना कुछ, जब इनके फादर इतने जबरदस्त इंसान हैं तो इनकी शिक्षाओं से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, खासकर इनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों से और एक इनकी शिक्षाओं से अपने पिता की। तो बहुत ही कम एज में ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और भैया अब इनके एजुकेशन के बारे में समझते हैं। 1918 में इन्होंने बॉम्बे से हाई स्कूल किया, समझते रहिएगा, 1918 में 1918 में इन्होंने बॉम्बे से हाई स्कूल किया, और उसके बाद अपनी बीए की डिग्री इन्होंने कहाँ से कंप्लीट करी? विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से 1929 में, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है। तो उसके बाद इन्होंने 1932 में क्या करते हैं ये, 1918 में ये बॉम्बे जाते हैं, उसके बाद वहां से हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा, अदरवाइज कोई कहेगा कि 28 साल में हाई स्कूल हो गया इनका। तो फिर अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट करते हैं विद्यासागर कॉलेज से कलकत्ता में, और 1932 में 1932 में ये पीएचडी करते हैं बर्लिन यूनिवर्सिटी से। और इनका जो पीएचडी का जो सब्जेक्ट होता है, तो उनकी थीसिस होती है ना, उसका सब्जेक्ट रहता है साल्ट एंड सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, मैंने फिर कहा कि कहीं ना कहीं गांधी से इनके फादर भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और ये भी गांधी जी से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से प्रभावित थे। तो इनकी जो थीसिस का सब्जेक्ट होता है वो साल्ट और सत्याग्रह रहता है। चलो आगे देख के चलते हैं। उसके बाद वहां से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद बर्लिन से फिर ये 1934 में ये इंडिया रिटर्न करते हैं। अब देखो यहीं से इनकी एक्टिविटीज भारत में शुरुआत होने वाली है। ओके, 1934 से ये इंडिया लौटते हैं, और लौटते ही उस समय ये 1934 में आईएनसी को ज्वाइन करते हैं। एनआईसी नहीं होगा, ये आईएनसी होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी को ये क्या करते हैं, 1934 में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी को ये ज्वाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1936 में ये इतने हमने कहा ना कि जबरदस्त तरीके से इनके पास क्वालिफिकेशन होती है, एक स्किल्ड इंसान होते हैं। तो नेहरू जी ने इनको क्या किया रहता है, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ द कांग्रेस। तो इनको 1936 में फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ द कांग्रेस बना दिया जाता है और 1940 तक 1940 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इनकी जो एंटी वॉर स्पीच थी, इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। देखो इनके विचार बहुत क्रांतिकारी टाइप के थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारी विचार थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंसा में विश्वास करते थे। देखो ये इन्होंने सोशलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की है, ये अपने हक की बात तो चाहते थे लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये चाहते थे फिलहाल तो। और इन्होंने 1942 में भी हम देखेंगे, देखिए इन्होंने क्या किया था ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो वहां पे यूथ के अंदर रेडियो के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट की न्यूज फैलाई, भैया उनको मोटिवेट किया कि आओ आप लोग ज्वाइन करो। रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे ये, तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था। आगे हम देख के चलते हैं 1942 में फिर क्या हुआ, जब उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ये रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हैं और ये स्प्रेड करते हैं द न्यूज ऑफ द मूवमेंट, और जितनी भी आंदोलन की जो ये न्यूज रहती है उसकी गतिविधियों को ये क्या करते रहते हैं, रेडियो के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ा होगा, कभी भी हिस्ट्री पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत आप लोग सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, रेडियो वगैरह, ये ऐसे साधन होते हैं कि लोगों में क्या कहते हैं, आंदोलन के प्रति वो प्रेरित करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा जो कलम होती है, जो पेन होती है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसीलिए देखिएगा मीडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट है आज भी हमारे देश में। अगर मीडिया निष्पक्ष हो, बैज ना हो, बहुत शानदार तरीके से अगर अपना काम करें तो हमारे देश में रिफॉर्म और तेजी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मीडिया क्या होगा, देखो उस समय भी देखो कितना जबरदस्त इंपॉर्टेंस थी न्यूज़पेपर का, मैगजीन का। अंग्रेज एकदम घबरा जाते थे और इसी वजह से आपने देखा होगा ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको अंग्रेजों ने उनकी आर्टिकल की वजह से, उनके एडिटोरियल की वजह से, उनके मैगजीन की वजह से उनको जेलों में डाल दिया था। तो ये ताकत होती है कलम में, तो याद रखिएगा। चलें फिलहाल तो हम आगे देख के चलते हैं। उसके बाद डॉक्टर लोहिया के बारे में हम यहाँ पे समझ रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग किया रेडियो पे और न्यूज़ेस को फैलाया है मूवमेंट से रिलेटेड, आंदोलन से रिलेटेड। और अब हम डॉक्टर लोहिया के बारे में कुछ और बुनियादी चीजें देखते हैं, अभी तक एक इंट्रो देख रहे थे। तो डॉक्टर लोहिया आधुनिक भारत के एक ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक थे, ध्यान रखिएगा, एक मॉडर्न इंडिया के एक जबरदस्त तरीके से स्किल्ड पॉलिटिशियन थिंकर थे, ये पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। कहने का मतलब है इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में और एक सोशलिस्ट मूवमेंट में एक एक्टिव रोल था इनका। किसका? इन्होंने बहुत इनका जो रोल था वो बहुत ही एक्टिव रोल था, खासकर फ्रीडम मूवमेंट्स में इंडिया के एंड सोशलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो आप लोहिया जी को इस नाम से भी जाने जा सकते हैं, लोहिया जी इस नाम से भी याद किए जाते हैं। बिल्कुल कल्पना जी, चौथा स्तंभ बोला जाता है हमारे देश की मीडिया को, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है मीडिया की फिलहाल। तो चलो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं। फिर हम आगे देख के चलते हैं। डॉक्टर लोहिया आधुनिक भारत के, जब हमने बताया कि जबरदस्त तरीके से ये एक एक्टिव रोल था इनका फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स में, सोशलिस्ट मूवमेंट्स में, उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए, ध्यान रखिएगा लोहिया जी क्या थे, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे गांधीयन फिलॉसफी से, गांधीयन आइडियोलॉजी से, और गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए समाजवाद की एक नई व्याख्या और एक नया कार्यक्रम दिया था। देखो ये कांग्रेस के विचारधाराओं से ज्यादा नहीं प्रेरित थे, एक्चुअली ये गांधी के विचारों से ज्यादा प्रेरित थे। और ये एक समाजवाद जो इनका सोशलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था, इनका सोशलिज्म पूरी तरह मतलब कह सकते हैं गांधीवादी विचारधाराओं का मिश्रण था, मिक्सचर था, ठीक है। जैसे गांधी जी अहिंसा और सत्य अहिंसा के माध्यम से चीजों को अचीव करना चाहते थे ना, उसी तरीके से ऐसा लोहिया जी की भी कुछ सोच थी, ठीक है, क्रांतिकारी भी सोच थी लोहिया जी की। तो ये सारी के सारी चीजें हैं लोहिया जी के साथ। चलो भैया अब हम इनके कुछ पॉलिटिक्स को देखते हैं। आजादी के बाद इनका क्या रोल रहा, तो उस समय 1942 में रोल देखा ही देखा, फिर धीरे धीरे हमारा देश आजाद होता है 1947 में। तो अब 1947 आजादी के बाद लोहिया जी का क्या रोल रहा था ये हम समझते हैं। उससे पहले आप सब लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो ही रहा होगा सारी चीजें। चलें कोई बात नहीं, कैलाश देवी जी आप लोग अब आ रहा है, चलें थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और लोहिया जी के पॉलिटिक्स को देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी के बाद हम लोहिया जी के बारे में देखते हैं क्या थे आजादी के बाद, ठीक है। चलो, थैंक यू आप सभी का, मीनाक्षी जी, कल्पना जी, अर्शिया जी, प्रतीक्षा जी और भी सारे जी लगा लीजिएगा नाम के आगे। चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं फिर क्या हुआ था एक्चुअली आजादी के बाद क्या हुआ। इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं बनी, नेहरू जी से भी नहीं बनी, कांग्रेस से भी नहीं बनी, कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है वो हम देख के चलते हैं। बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन सेवरल इश्यूज विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोहिया सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट द कांग्रेस इन 1948। और ये क्या कर देते हैं, जो कांग्रेस की सीएसपी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होती है 1948 में लोहिया जी इसको क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके नेहरू जी के साथ कई इश्यूज को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। वो डिसएग्री होते हैं, उनकी हर बात से सहमत नहीं होते हैं, इस वजह से वो कांग्रेस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब भैया आजादी के बाद अगर ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं ये हमें समझना है। चले, अच्छा मीनाक्षी जी आपको फीवर है, तो भैया देखिए फीवर ओवर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मौसम भी काफी तेजी से चेंज हो रहा है और आप लोग, मैं हमेशा दुआ करता हूँ आपके लिए, तो हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। सेहत का जरूर पहले ख्याल रखिएगा, पढ़ाई तो फिर होती रहेगी, तो सेहत का जरूर आप सब लोग ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और ठंड से भी बचिएगा। तो फिलहाल अगर आप उसके बावजूद भी आपको फीवर है और मेरी क्लास ले रही हैं तो मीनाक्षी जी वाकई आपको हम सैल्यूट करते हैं। और ऐसे बच्चे इंस्पिरेशनल होते हैं कि बीमार हुए हैं फिर भी आप पढ़ाई, मेरी क्लासेस अटेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलें, कुछ सीखने को मिला लोगों को भी और हमें भी आपसे, थैंक यू आपका मीनाक्षी जी। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, मीनाक्षी जी हो या कोई और हो, सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा आप लोग सोचा करो, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना कि जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो एजुकेशन भी अच्छा हो जाएगा, फिर एजुकेशन अच्छा होगा तो सिलेक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी लाइफ भी आगे अच्छी हो जाएगी, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी तो फिर आप समझ रहे हैं, आप ज़्यादा मत आगे जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, ठीक है। चलो, रोज रोज प्रवचन नहीं दूंगा आप लोगों को उस लेक्चर पे। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद जब नेहरू जी से इनके कुछ विवाद होते हैं तो ये कांग्रेस को 1948 में छोड़ते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा बहुत समय तक ये उस पार्टी में भी नहीं रहते हैं, उस पार्टी को भी छोड़ देते हैं और इन्होंने बाद में आगे चल के ही लॉन्च हिज ओन सोशलिस्ट पार्टी। बाद में लोहिया जी अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, अपनी पार्टी बनाते हैं। और हमने कहा ना जो बहुत क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं सबसे उनकी नहीं बनती, जरूरी नहीं है कि उनकी हर किसी से बने, सबका अपना अपना भाई आइडियोलॉजी होता है, अपना अपना विचार होता है, सब अपने अलग तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। और लोहिया जी ने तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था, चाहे आज़ादी की बात हो या उसके बाद देश में इनका कंट्रीब्यूशन आज भी लोहिया जी को देखो याद किया जाता है। कई कई हॉस्पिटल्स, कई कई स्कूल्स आप देख रहे होंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप सब लोग नाम तो जरूर सुने होगा अगर कभी पढ़ा नहीं होगा इनके बारे में तो। चलें, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्टिका जी, वर्टिका सैनी, खास कर नितिन सैनी जी, कि ये कुछ ही लोगों को याद किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमारे सिलेबस में हम देख रहे हैं ना, जबरदस्त तरीके से फ्रीडम फाइटर्स को देख रहे हैं, एक जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल थिंकर को देख रहे हैं। तो पढ़ाई तो इसीलिए तो होती है ना कि आप सबको जानो, तो आप अवेयर होइए, लोगों को अवेयर करिए, ठीक है। चलो, फिर हम देखते हैं इन्होंने अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी को लॉन्च कर दिया और उसके बाद ही बिकम द चेयरमैन एज वेल एज एडिटर ऑफ इट्स जनरल मैनकाइंड। ओके, तो ये अपने जनरल मैनकाइंड के एडिटर भी होते हैं। और आपने एक चीज गौर किया होगा, जितने भी क्रांतिकारी विचारक टाइप के लोग होते हैं ये जरूर कुछ ना कुछ लिखते रहते होंगे, इनकी कुछ ना कुछ किताबें, पुस्तकें, मैगजीन, आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहेंगे। और ये पहचान होती है, देखिए जब इनके पास ज्ञान ज्यादा होता है ना तो ये सोचते हैं कि हम अपने मैगजीन के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक अपनी क्रांति की बात को पहुंचा सकें, अपने विचारों को। देखिए बहुत अच्छा मीन्स, कहते हैं मीन्स है, ये एक साधन है कि कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह बहुत अच्छी साधन है। उस समय तो इतना डिजिटल समय तो था नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या डिजिटल मीडिया हमारी हो, खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं उस समय। तो क्या करते थे उस समय भैया, न्यूज़पेपर और मैगजीन ही सहारा होता था। लोगों में क्रांतिकारी गतिविधियों को जगाने के लिए, लोगों सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए तो बहुत बड़ा साधन था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आगे हम देख के चलते हैं। फिर 1962 में क्या हुआ, इन्होंने जब ये सारी चीजें आजादी के बाद हम देख रहे हैं ना, इन्होंने अपनी पार्टी वगैरह बना ली, तो अब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और 1962 के जनरल इलेक्शन में ये नेहरू जी से हार जाते हैं। और नेहरू जी, मैंने आपको नेहरू जी के बारे में पढ़ाया था। नेहरू जी कहाँ की पैदाइश थी, इलाहाबाद के पास इनकी पैदाइश थी। और इलाहाबाद अगर आप जानते होंगे, जिनको आज प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, तो वहीं पे पास में फूलपुर पड़ता है। एक नया लोकसभा क्षेत्र है, नया तो नहीं कह सकते, लेकिन फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है, इलाहाबाद से सटा ही है। तो वहाँ पे नेहरू जी से इलेक्शन वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और ये नेहरू जी से वहाँ पे हार जाते हैं। क्योंकि देखिए नेहरू जी की जबरदस्त लोकप्रियता रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, राम मनोहर लोहिया जी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो यही तो हम सीखते हैं ना, पढ़ाई का बोझ हमारे इसी तरीके से होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे इंसान करने नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं। भैया जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है हम उसको उसी तरीके से याद करेंगे, उसके बारे में उतना ही पढ़ेंगे। जिसके जितने मेरिट है, डिमेरिट है, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉस कॉन्स को पढ़ेंगे, तभी तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तभी तो एनालाइज कर सकते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। फिर लेकिन बाद में री इलेक्शन में ये इनको लोकसभा सीट मिलती है 1963 में, जस्ट अगले साल फर्रुखाबाद से। तो ये जीत करके सांसद बनते हैं और पार्लियामेंट जाते हैं। लेकिन फाइनली 1965 में ये अपनी पार्टी जो बनाते हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से, उसको मर्ज कर लेते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में। याद रखिएगा ये मर्ज कर लेते हैं, पूरी की पूरी अपनी पार्टी को मर्ज हो जाती है इनकी पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी लोहिया रहती है। और बाद में 1967, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1967 में इलेक्शन होता है। हाँ 1967 में कन्नौज से, जहाँ से आप देखते होंगे अखिलेश यादव जी की जो वाइफ जाने ना, डिम्पल यादव जी, आई थिंक सांसद है वहाँ से, कन्नौज से प्रेजेंट टाइम में। अगर आप लोग यूपी से होंगे तो आप लोगों की सारी जानकारियां होंगी खासकर, और नहीं हुई होंगे तो फेमस तो नाम है, ये सब जानते होंगे। तो वहीं से ये कन्नौज से ये जीत जाते हैं, ठीक है 1967 के लोकसभा इलेक्शन में। अब अपने दम पे ये जीत करके जा रहे हैं संसद में। फिर देखिएगा फिर क्या होता है आगे। तो अब हम लोहिया जी के बारे में कुछ, इनके मेन वर्क्स के बारे में देखेंगे, या उनकी कुछ महान कृतियों के बारे में देखेंगे, रचनाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ भैया इनकी रचनाओं के बारे में देख लेंगे। और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये कमेंट करके बता दो, क्या आपको लोहिया जी के बारे में सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट तो नहीं रह गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। चले, आई होप खैरुजहां जी, कल्पना, प्रतीक्षा, बाकी के बच्चों बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोग। देखो इसी तरीके से हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। अलग बात है कि यूट्यूब पे इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाता, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक 20 या 30 सेकंड का गैप होता है हमारे आपके बीच में, हमारी बात आप तक पहुँचने में, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और ऐप पे यही चीज़ मजा आती है, स्पेशल क्लास में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जब इंटरेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से मैं कुछ पूछूँ आपका जवाब आए, तो ये मजा आती है वहाँ पे, ठीक है। और प्लस पे भी इसी तरीके से इंटरेक्शन होता है। अरे छवि जी मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मैं एक दिन बीमार हुआ था, लेकिन चलो थोड़ा बहुत ठंड तो है, लग गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिट एंड फाइन। क्लासेस एब्सेंट नहीं हुएगी ना मेरी, लगातार आपको क्लासेस मिली कि नहीं मिली आप लोगों को ये बताइए, भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली हो, लेकिन मिली थी ना। चलें तो क्लासेस मिलेंगी आपको, मैं आपके लिए हूँ। बस आप लोग भी इसी तरीके से, जो आपका ये प्यार सम्मान कमेंट के थ्रू हमें पता चल रहा है ना, आप लोगों का प्यार दिख जाता है इस कमेंट में, ठीक है। तो यही प्यार यही सम्मान आप बरकरार रखिएगा, हम भी आपको इसी तरीके से आगे लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे। मेरी तबीयत एकदम सही है भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे चेहरे पे स्माइल, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी हर चीज़ आप देख रहे होंगे। और आप लोग भी मुस्कुराते रहिएगा, नए साल में तो हमने मुस्कुराते मुस्कुराते एंटर किया है। तो चुनौतियां तो हैं लाइफ में, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, बस आप उस चैलेंजेस को हंस के सामना करिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ, समझ में आया। चलो भैया आप इनकी कुछ रचनाओं को देखते हैं, और आप लोग इनकी रचनाओं को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास चक्र के जिन्हें नाम से हम जानते हैं, इतिहास चक्र, ठीक है। इनकी ये किताब है 1955 में पब्लिश्ड हुई, ओके। चलो फिर क्या हुआ था, गिल्टी मेंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके मेन वर्क्स लोहिया जी के रचनाएं हैं इनकी। और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, बिल्कुल देखिएगा, मैंने आपसे बोला ना काफी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो गांधी जी के विचारों से समाजवाद, फिर मार्क्सिज्म के कुछ विचारों से बैलेंस बना करके चलने की कोशिश किया है इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से। वैशाली कश्यप जी, आप किस चैनल के बारे में पूछ रही हैं, क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं? तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, चैनल किस नेम से है? चलो फिर मैं मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इनकी। इंडिया शेयर एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, ये देखिएगा इंडिया चाइना होगा भाई, एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स 1965। थोड़ा सा स्पेलिंग अगर जहां रॉन्ग हो जाएगी मैं उसके लिए हूं, बेफिक्र रहिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। शेयर में ये चाइना है, ठीक है, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स 1965। ओके, ओके, थैंक यू। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं लोहिया जी के बारे में, और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है इनके मेन बॉक्स लोहिया जी के। फिर यहाँ पे देखते हैं लोहिया के अनुसार भारत के इतिहास में जो दासता यानी कि जो ये गुलामी वाला सिस्टम था, दास सिस्टम जो था, दास प्रथा आप लोग जानते होंगे ना हिस्ट्री में, ये एक लंबा दौर जाति प्रथा का परिणाम था। देखो अब लोहिया जी ये जो कास्ट सिस्टम है ये इसके भी खिलाफ थे सबसे पहली चीज। और देखिएगा इन्होंने भी कास्ट सिस्टम का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे, और खासकर जो ये दास सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, उसका कास्ट की वजह से ही बोला कि जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ इसी का परिणाम है, दुष्परिणाम है ये जो दासता वाला भारतीय इतिहास में, इसी की वजह से, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, इस जाति प्रथा के वजह से इन्होंने संघर्ष करने वालों के लिए ही, इस जाति प्रथा के विचार को संघर्ष करने वालों को इन्होंने सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए। इनका मतलब है कि जो इस जाति प्रथा के लिए संघर्ष कर रहा है, इसको खत्म करने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसी को एक सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए। ऐसा लोहिया जी ने क्या किया है, ऐसा लोहिया जी ने बोला है। ओके, इस जाति प्रथा के विरुद्ध, यहाँ पे विरुद्ध कर लीजिएगा, विरुद्ध संघर्ष करने वालों को ही सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए, ऐसा लोहिया जी का मानना था। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं वाटिका सैनी जी। हाँ प्रतीक्षा जी गजब स्टेटमेंट देती है रोज, बेहतरीन, इनकी थॉट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और लगातार मुझे ये कुछ चीज़ें ऐसे बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो बिल्कुल ये लगता है कि समझ में आता है इनको सारी चीज़ें। थैंक यू आप लोगों का। फिर इस जाति प्रथा को विरुद्ध संघर्ष करने वालों को लोहिया के अनुसार इन्हें सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए। अब देखिएगा लोहिया जी ने कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिक किया है, उसको भी हम देख के चलते हैं। और उससे पहले हम चीज़ें यहाँ पर रफ कर दें जो आपको क्लियर दिखे, तो आप लोग आसानी से नोट्स भी बना सको। चलो आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और नोट डाउन भी कर रहे होंगे आप लोग। चलो भैया, इसको हम अब आगे बढ़ते हैं और पूंजीवाद की क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर लोहिया जी के शब्दों में। चाइना समाज में इन्होंने बोला है पूंजीवाद को लेकर के। देखो सबसे पहले जब ये सोशलिज्म विचारधारा के मानने वाले थे, जाहिर सी बात है ये पूंजीवाद के क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। तो इन्होंने बोला कि जो पूंजीवाद है उससे समाज में असमानता आती है। इन्होंने बोला कि सोसाइटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। इनइक्वालिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। पहला पॉइंट आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा। फिर क्या हुआ, अमीर और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। देखिएगा ये भी मैंने कई बार आपको ये पॉइंट समझाया है कि भाई पूंजी, ऐसा लोहिया जी का मानना था कि जो कैपिटलिज्म थ्योरी है, जो विचारधारा है, जो ये उद्योगपति वर्ग है देश में, ये क्या है, इसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। और इस तरीके से जो इनकी जो पूरा का पूरा पॉलिसी होती है पूंजीवाद की, वो पॉलिसी इस तरीके से होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो चाहते हैं। आज भी देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट को देखिएगा, हमारा जो इकोनॉमी है ना वो मिक्स इकोनॉमी, आप जानते हो ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि ना तो हमारा पूरा झुकाव समाजवाद की तरफ, ना तो पूंजीवाद की तरफ होगा। ठीक है, हमने बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखा है कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, मिलकर काम करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया था, पीपीपी का मॉडल आप देख रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कैपिटलिज्म है, देखो बिल्कुल बिजनेस करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जबरदस्त तरीके से बिजनेस करे, प्रॉफिट उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिजनेस करते करते वो मोनोपोली चाहने लग जाते हैं, जो ये मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनियां होती है बच्चों, ये मोनोपोली चाहने लगते हैं और वो इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर हो जाए। मैं देखो किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ अपने इस लेक्चर में, लेकिन आप लोग खुद समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जो मोनोपोली वो बहुत खराब चीज होती है। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन उनकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उनकी मनमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर इंसान कैपेबल नहीं है। आज भी हमारे देश में सिर्फ अगर मैं सर्च बताऊं तो आपको देखा, डेटा भी पढ़ते होंगे, 50-60% लोग तो गरीब और मिडिल फैमिली हैं, और उससे ज्यादा आप कह सकते हो 70% लोग, तो कुछ ही लोग सक्षम है और 80% लोग अमीर हैं। तो इस हिसाब से उनकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोहिया जी का मानना था। कैपिटलिज्म के खिलाफ थे ये, और इनका मानना था कि कैपिटलिज्म से क्या होता है कि इनकी मोनोपोली बढ़ती है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। यहीं पे मैंने आपको अपने एक लेक्चर में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट समझाया था। ऑक्सफैम रिपोर्ट आप देखिएगा, जब दावोस का सम्मेलन होता है ना, आप सर्च, थोड़ा सा करंट में बता रहा हूँ, दावोस सम्मेलन सर्च करिएगा स्विट्जरलैंड में, वहीं पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, आप पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट उठा करके गूगल करके। आप देखेंगे कि हमारे बहुत अफसोस होगा, खासकर प्रेजेंट टाइम में भारत को देख करके मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमटता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए कि बिल्कुल आप बिजनेसमैन को भी हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आम आदमी को और गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे, एक बैलेंस नजरिया अपनाएंगे। तो प्राइवेट चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा दें, लेकिन बैलेंस तरीके से, पूरी उनको छूट मत दे दें कि वो मनमानी करने लगे। चलें, अच्छा लास्ट वाली लाइन को मैं दोबारा बोल दूं। अच्छा देखिए, मैंने बोला कि अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ये मेरी लास्ट लाइन थी। सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, मोनोपोली हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट सोचते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बारे में बताया, ये सारी चीजें। वैशाली जी आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपका ठीक है, स्वागत करता हूँ। ये चैनल का नाम है अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और शाम को भी मैं 4 से 5 आता हूँ, वहाँ पे चैनल का नाम है अनअकैडमी यूजीसी नेट, और मैं 10 बजे मॉर्निंग में भी आता हूँ अनअकैडमी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। ये 3 चैनल हैं जहाँ पे मैं आता हूँ। स्पेशल क्लास में भी आता हूँ सैटरडे संडे ऐप पे, तो आप मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सैफ, तो वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा। चले, तो फिलहाल तो लोहिया जी का ऐसा मानना था, और साथ ही साथ बोला है लोहिया जी ने कि कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास सारा मुनाफा चला जाता है, मतलब कि ये कैपिटलिज्म के इस जबरदस्त खिलाफ थे। बोला है कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाता है, कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो जाता है। इस वजह से इन्होंने जबरदस्त तरीके से कैपिटलिज्म की, पूंजीवादियों की क्या किया है, मजम्मत की है, क्रिटिसाइज किया है, और इसकी वजह से मोनोपोली भी होती आती है, और इसी वजह से लोगों की फ्रीडम एंड लिबर्टी को खतरा होता है। ऐसी थॉट्स, ऐसी विचारधारा लोहिया जी की थी। ठीक है, अब ये चीजें हैं, तो हम सारी चीजों को, लोहिया जी के विचारों को आज यहाँ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज भी लोहिया जी के विचार हमारे यहाँ थॉट्स रिलेवेंस हैं आज भी हमारी कंट्री में। तो बिल्कुल ये सारी चीजों को हम एक बैलेंस अप्रोच को अपनाते हुए इनके थॉट्स को, विचार को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है आज भी हमारे समय में, क्योंकि हमारा देश बहुत ही ज्यादा एकदम सक्षम नहीं हो चुका है ना कि हम सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते रहे। तो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्रीज करती रहे, ऐसा ना हो कि सब कुछ टोटली एक ही, जैसे यूएसए का है ना, का पूरा वो पूंजीपति देश है, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है ना, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी रही है बहुत ही बैलेंस रही है। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट को समझने की यहाँ पे जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं, लोहिया जी के सोशलिज्म को, लोहिया जी के समाजवाद को यहाँ पे समझते हैं। बिल्कुल हाँ प्रतीक्षा जी, देखिए डीपीएसपी मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था ये सारी चीजों के बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे लेक्चर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और देखो मैं आप फिर बता दूं, जो नए बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए देखो आप अपने ही साथ में लोगों को देखो वो सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं। बच्चों ये कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि इन्होंने 1 महीने से लगातार वक्त दिया है, लगातार मेरी क्लासेस ऐसे बच्चे देख रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा ना, आप भी, आपके अंदर भी ये अप्रोच आ सकते हैं, बस आप रेगुलरिटी मेंटेन कर लो, आप भी चीजों को कनेक्ट कर ले जाओ हर तरफ से, क्वेश्चन नहीं गलत होगा फिर आपका। ओके चलें, सही है बिल्कुल। जी हाँ, डेली क्लासेस होती है वैशाली जी, मंडे टू फ्राइडे और 11 बजे से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब लोहिया जी के समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं, क्या है लोहिया जी का समाजवाद समझते हैं। ठीक है, सोशलिज्म को तो मैंने आपको समझाया ही समझाया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोहिया जी के समाजवाद को यहाँ पे समझते हैं। लोहिया जी क्या कह रहे हैं इनके समाजवाद को, इन्होंने अपनी नीतियां इस महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित करनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें अपनी पॉलिसी को ध्यान रखिएगा, एक मिनट, चलिए, इन्होंने एकदम साफ साफ बोला है कि हमें अब इनका जो समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था, विचार था, वो कैसा था। इन्होंने बोला जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा जो कंटिनेंट है जैसे एशिया, तो उसकी विशिष्ट परिस्थितियों को, ठीक है, उसकी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ की जो हमारी सभ्यता है, हमारी यहाँ की सभ्यता है, वो सदियों पुराने निरंकुश तंत्र और सामंतवाद से उभर करके सामने आई है। यानी कि हमने बहुत सारे ऑटोक्रेसी चीजों को देखा है और बहुत सी ऐसे सामंतवाद यानी फ्यूडल मेंटेलिटी को हमने फेस किया है, उसको क्रॉस करके, उससे उभर करके हम सामने आए हैं। तो आज जो हम जिस समय पहुंचे हैं, तो हमें अपनी पॉलिसी इन चीजों को ध्यान में रखने के बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर से हम उन्हीं के गिरफ्त फ्यूडल टेंडेंसी की तरफ फिर से पहुंच जाएं, फिर से निरंकुशवाद की तरफ बढ़ जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो इस तरीके से बननी चाहिए। तो ऐसा लोहिया जी का समाजवाद है। और लोहिया जी ने अपने समाजवाद में एक चीज बोला है, सोशलिज्म को अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं लोहिया जी। इनका कहने का मतलब है समाजवाद को क्या करना चाहिए, एक अपनी स्वतंत्र, देखो एक स्वतंत्र विचार यहाँ पे विकसित करने चाहिए। याद रखिएगा, एक स्वतंत्र विचार विकसित करने चाहिए, ऐसा लोहिया जी का मानना था। ठीक है, देखिए सोशलिज्म पे एक लेक्चर में दे चुका हूं, वर्तिका सैनी जी, आप वहां पे देख लीजिएगा तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी डीपीएसपी भी आप यूं कह सकते हैं, सोशलिज्म के विचारों से ही बात कर रहा था आपको। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे है। बाकी जब मैं आपको डीपीएसपी आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे लेक्चर्स पड़े होंगे, ऐप पे भी होंगे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी होंगे, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वहाँ पे मैंने समझाया है अच्छे से। चलो, तो अब लोहिया जी के सोशलिज्म पे आते हैं। इन्होंने साफ साफ बोला है कि सामंतवाद से उभर करके हम सामने आए हैं, निरंकुशवाद से उभर करके हम सामने आए हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी को इस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, हमने सदियों तक कहते हैं जुल्म सहा है, तो ऐसा कुछ इनका विचार था समाजवाद को लेकर के। और उन्होंने बोला है कि जो अपनी समाजवाद को अपनी एक स्वतंत्र विचार विकसित करने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को डेवलप करनी चाहिए। और उनका कहना था कि हम अपने सोशलिज्म में गांधी के विचारों को जगह देनी चाहिए। देखो भैया, हर कोई, देखिए आपने देख रहे हो ना कि ज्यादातर लोग गांधी जी के फेवर में थे। गलत बात है कि कुछ बात को लेकर के उनसे डिस्प्यूट होता था, नो डाउट है। हमने बहुत से ऐसे थिंकर के बारे में पढ़े हैं जिनसे गांधी जी के विचारों से वो डिस्प्यूट हुए हैं, मतलब उनके विचार मेल नहीं खाए हैं, लेकिन मैक्सिमम किसी ने गांधी जी को गाली नहीं दी। याद रखिएगा, गांधी को किसी ने गाली नहीं दी है। उन्होंने, आप विचारों से मतलब कैसे नहीं, आप असहमत हो सकते हैं। और ये बिल्कुल आज डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से या किसी से भी असहमत हो सकते हैं, आप मेरी बातों से भी असहमत हो सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ये आपका राइट नहीं है। अगर आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, अगर आपको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी को गाली नहीं दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अजीब सा हमारे यहाँ माहौल है आज भी। जब भी देखिएगा, हम गांधी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो लोगों को, कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो आज भी गांधी जी को गाली देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी चीज को लेकर के क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम गाली देने का हमारा राइट नहीं है। ठीक है, तो गांधी के तरह हर कोई गांधी नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो गांधी जी का सम्मान, प्यार बिल्कुल होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ सभी फ्रीडम फाइटर्स का। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को हम देख रहे हैं, जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो भैया आगे देख के चलते हैं। इन्होंने बोला कि हमें अपने सोशलिज्म में, अपने समाजवाद में गांधी जी के विचारों को जगह देनी चाहिए। और देखिए, ये एंटी कांग्रेस तो हो गए थे प्लस, लेकिन गांधी जी को, विचारों को बिल्कुल अपने समाजवाद में ये जगह देना चाहते थे, और इन्होंने दिया भी है। बोला है कि समाजवाद, हमें मार्क्स के समाजवाद पे नहीं चलना है कि हिंसा से, ठीक है, रेडिकलाइज नहीं करना है हमें भैया। गांधी जी के नॉन वायलेंस, इन्होंने बोला इनका जो सोशलिज्म था वो नॉन वायलेंस था। और हमारे देश में भी जो सोशलिज्म है, जो फेबियन समाजवाद मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रियम्बल में भी पढ़ा रखा है, सोशलिज्म के टॉपिक में पढ़ा रखा है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात मैंने वहां की थी। ठीक है, समाज के जितने भी दबे कुचले वंचित वर्ग हैं, सबका एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना, सबको शोषण विहीन समाज बनाना, सबका कल्याण करना। और यही चीजें मैंने डीपीएसपी में भी आपको पढ़ाया था सोशलिज्म में। नॉन वायलेंस मैंने गांधीयन लेक्चर में फिलॉसफी में भी आपको पढ़ाया था, सोशलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोहिया जी के विचारों को यहाँ पे देख रहे हैं कि लोहिया जी के जो विचार समाजवादी विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है। ठीक है, तो आज हमें इनकी विचारों को समझने की जरूरत है। अगर आपके बच्चों देखो, अगर आपके प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, तो क्या कल आप ये सिलेबस ऐसे यूं ही डाल दिया जाता है? आप सोचो, कभी इन चीजों के बारे में सोचो, इन चीजों के बारे में। इसलिए मैं आपको सोचने कह रहा हूँ कि आप इनसे कुछ सीख सको, इनकी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सको। बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज लेना सकिए, आप इन सबको आगे बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए, अवेयर करिए लोगों को, ये सारी चीजें हैं। देखिए अब देखिए कुछ लोग गाली देने फिर आ गए। गांधी जी पढ़ा रहा हूं और ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड 420, तो आपका नाम ही 420 है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके लिए यही कहूंगा बच्चों, आप अच्छे से पढ़ लो, अपना करियर बना लो, ठीक है। और गाली देना यूं ही किसी को बहुत आसान होता है, एक ही कमेंट तो करना होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा मेरी बातों को। चलो, ऐसे लोगों को बच्चों आप लोग भी इग्नोर करो, हम भी इग्नोर करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था गांधी के विचारों को जगह देनी चाहिए। सोशलिज्म में ऐसा लोहिया जी का मानना था और इन्होंने बोला कि सत्याग्रह करना चाहिए। देखिए, सत्य का आग्रह करना कि हम किसी भी तरीके से किसी भी अगर एम को अचीव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। सत्याग्रह बच्चों जो भी मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं मुस्कुरा के रोज क्लास लूंगा और जबरदस्त तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप लाख गाली दे लो, मुझे आप बिगाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी आपका संस्कार, आपके परवरिश क्या हुई है, ये आपके कमेंट में शो कर रहा है। आपको क्या सोच है आपकी, वो आपके बिल्कुल आप अपने कमेंट में शो कर दे रहे हो कि आपकी सोच क्या है, आपकी परवरिश कैसे हुई है, आप किस माहौल में पले बड़े हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर गांधी जी ने यहाँ पे सत्य और अहिंसा के बारे में विचारों को लोहिया जी ने अपने यहाँ पे सोशलिज्म में जगह देने की बात की है, ठीक है। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से गांधी जी कुटीर उद्योग और इकोनॉमी को ये बेस्ड करते थे ना, उसी तरीके से लघु और कुटीर उद्योग को ये बेस्ड होगा बच्चों। स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग थी लेकिन मैं सही कर दे रहा हूँ। तो जो हमारे यहाँ लघु और कुटीर उद्योग थे उनको, जैसे गांधी जी ने, जब आपने मुझसे पढ़ा हो ना, तो वहां पे गांधी जी ने इसको वहां पे अपनाने की बात की थी। और इसी तरीकों को लोहिया जी भी चाहते थे, कुछ छोटी छोटी मशीनें हो, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो, इनका भी विकास हो, ये भी हमारे समाज की मुख्यधारा से जुड़े। ओके, अरे वो छोड़िए ब्लॉक करना, वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे भाई। मुझे तो हंसी आ रही है ऐसे लोगों की मानसिकता पे, सोचिए। फिलहाल आप लोग ध्यान मत दो, छोड़ो ऐसे आगे। तो फिर इन्होंने स्मॉल मशीन बेस्ड इकोनॉमी की बात की थी, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में बढ़ावा देने की बात की थी। उसके बाद इन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की। जिस हिसाब से गांधी जी ने जब पंचायती राज सिस्टम का, वहां पे आपने देखा होगा, एक फिलॉसफी दिया था कि पंचायतों का गठन किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए। तो ऐसे ही कुछ विचारधारा हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी थी, समाजवादी विचारधारा की जो शक्ति होनी चाहिए, जो सत्ता होनी चाहिए, उसका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक आदमी के हाथ में सिर्फ शक्ति ना हो, बल्कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। तो ऐसी इनकी भी विचारधारा थी लोहिया जी की। तो सोचिए लोहिया जी का जो समाजवाद था वो गांधी जी के जो फिलॉसफी थी कितना मेल जोल खा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या आपको लोहिया जी के विचारधाराओं को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से है। फिर हम आगे देखते चलते हैं। चलो आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं भाई क्या हो रहा है। अब पॉलिटिकल थॉट्स को यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोहिया जी के कुछ राजनीतिक विचारों को यहाँ पे देखते हैं। चलो ओके, थैंक यू आप सभी का। कल्पना जी, प्रतीक्षा जी, मुस्तफीज अहमद खान जी, वैशाली जी, वच्छवी, वटिका, कैलाश, निशा पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीमा गौतम जी बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दूं, अच्छा ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बिट्टू जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मैंने लिखा है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स को देखते हैं, राजनीतिक विचारों को देखते हैं। आईएनसी और कम्युनिस्ट से एक समान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। अब देखो भैया बहुत ही, हमने कहा लोहिया जी गजब के इंसान थे, गजब की पर्सनालिटी थी इनकी, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने बिल्कुल देखो ना, तो ये जो वामपंथी विचारधारा होती है ना, जो ये वामपंथी विचारधारा होती है ना, तो इन्होंने इसका सपोर्ट किया है, ठीक है, और ना ही इन्होंने कांग्रेस के पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, ना इनके विचारों से ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने बोला कि हमें एक दूसरे से ना, तो हमें किसी को भैया ज्यादा उनको फेवर करना है ना अपोज करना है, एक समान दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो सोशलिज्म विचारधारा थी, खासकर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पूरी तरीके से ये वामपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद इनकी और राजनीतिक विचारधारा में हम देखेंगे इन्होंने कोऑपरेटिव लेबर के बारे में बात की है। देखो लेबर जो हमारा मजदूर वर्ग है बच्चों, तो इन्होंने मजदूर वर्ग के हितों के बारे में भी बात की है लोहिया जी ने, ठीक है। उसके बाद ये विलेज गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे, देखो बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ जो विलेज गवर्नमेंट होती है इनको भी इन्होंने यहाँ पे बात की है, विलेज गवर्नमेंट के बारे में भी, ठीक है, कि गाँव के लेवल पे भी सरकारें होनी चाहिए। और लोहिया जी का एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, एक इनकी जो किताब है लोहिया जी की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है, 1952 में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में इन्होंने इस किताब में एक चौखंबा स्टेट की पॉलिसी दी है, ठीक है। चौखंबा स्टेट क्या होता है, चौखंबा राज्य क्या होता है, फिर हमने देखा। अरे बच्चों आप लोग क्यों डिस्कशन करने लगे, उसको छोड़ो, मैंने कब का ब्लॉक कर दिया है भाई, और ब्लॉक भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्शुमानी जी और भी जो लोग, सीमा जी और भी जो भी लोग लगातार बोल रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ बच्चों छोड़ो उसको, जाने दो, ठीक है। ये बिल्कुल ये लोग भाड़े के टट्टू टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल ये पेड़ होते हैं, ये देश में समाज में हर जगह गंदगी फैलाने वाले होते हैं, ये आईटी सेल के लोग होते हैं, तो इनसे दूर रहो। ये नफरत के सिवा कभी भी मोहब्बत नहीं फैला सकते, तो इनका काम है, इनको एक मकसद पे भेजा जाता है कि जाओ हर जगह गाली गलौज करो, टीचर को गाली दो, किसी विचारधारा को गाली दो, किसी के धर्म को गाली दो। तो ऐसे बच्चों आप बिल्कुल दूर रहिए। हम लोग बहुत शानदार तरीके से और प्यार के साथ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, तो अपने सब कुछ ध्यान हटा करके यहाँ पे आ जाओ। अब प्लीज अब उनकी बात मत करना कोई लोग कमेंट में, ठीक है, जाने दो, भूल जाओ, और प्लीज अब टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा मत, जवाब दीजिए आप लोग उसको। चले, आईएनसी और कम्युनिस्ट से एक समान दूरी बनाकर रखना चाहिए था, कोऑपरेटिव लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, विलेज गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लोहिया के। अब देखो लोहिया जी ने जो इनकी किताब थी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952, तो यहीं पे इन्होंने चौखंबा स्टेट की थ्योरी दी थी। तो चौखंबा राज्य क्या है, जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं भैया। इन्होंने तर्क दिया कि समाज का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें चार परतें पाई जाती है, समाज की जो संरचना है उसमें चार परतें पाई जाती हैं, 4 लेयर होते हैं, और वो कौन कौन से 4 लेयर हैं इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो भैया 4 लेयर को हम समझते हैं। सबसे पहले तो गांव, यानी कि विलेज, आप लोग नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते चलो, विलेज, ठीक है। फिर मंडल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो इसको, जिला डिस्ट्रिक्ट। प्रांत यहाँ पे स्टेट से है, प्रोविंस से है, आप प्रोविंस बोल सकते हो इसको। और राष्ट्र यहाँ पे आपका कंट्री बोल सकते हो यहाँ पे इससे। तो कहने का मतलब है कि समाज की जो इन्होंने सोसाइटी की जो संरचना बताई है वो 4 परतें होती हैं, 4 लेयर होती हैं। उसमें एक विलेज होता है, एक शहर होता है, एक स्टेट होता है और एक राष्ट्र होता है। तो ऐसी चौखंबा राज्य की इनकी एक पॉलिसी थी और इन्होंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाया है, आप समझ लीजिएगा। बोला है कि पुलिस और कल्याणकारी कार्य गाँव और नगर की पंचायत को संभालने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो पुलिस है उसको क्या करना चाहिए, जो उसके कल्याणकारी कार्य है वो गांव और नगर की पंचायत को संभालने होंगे। तो सबसे पहले पंचायत को यहाँ पे संभालने चाहिए, ऐसा ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ग्राम प्रशासन, जो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, याद रखिएगा ये जो जिस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ये बात कर रहे हैं वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, कुटरी नहीं कुटीर उद्योग होगा, चलो कुटीर उद्योग ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज आप सब जानते होंगे ना। कुटीर उद्योगों को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही साथ उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये इससे बेरोजगारी को क्या किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं ना, पूरी तरीके से बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। यहाँ पे इस इनकी फिलॉसफी से अगर हम बात माने तो फिर ये यहाँ पे आगे चलते हैं और इन्होंने एक 7 रेवोल्यूशन सप्त क्रांति का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। और वो सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और तब तक मैं इसको रफ करता हूँ, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो भैया कांग्रेस के बारे में ज्वाइन करने के बारे में आप पूछ रहे थे लोहिया जी का। देखो जब वो पढ़ के लौटे तो उस समय पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही तो चल रहा था। अलग बात है कि उसमें नरम दल और गरम दल थे और सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी और अपने अपने हिसाब से वो आज़ादी चाहते थे। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो एक सेंटर में जो सबसे बड़ी पार्टी थी जो सबसे बड़े तरीके से लीड कर रही थी वो कांग्रेस ही थी उस समय। ठीक है, और वो आए, उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं और इस पर जुड़ करके हम आगे अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर उनको लगने लगा कि नहीं, पूरी तरीके से हम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया। सिंपल सी शॉर्ट में आप समझ लीजिए इस तरीके से। क्लियर हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। यस सर, नोट्स बन गए हैं। थैंक यू अर्शिया जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, वर्तिका जी, सीमा जी, बिट्टू बॉल जी, कल्पना, निशा पांडे एंड प्रतीक्षा आल्सो। चलो भाई, आप लोगों का प्यार सम्मान इसी तरीके से बरकरार रहेगा तो मजा आती रहेगी हमें भी और आपको भी। और हाँ गैस, अगर आपको लग रहा है कि वाकई लेक्चर मजेदार हैं, भैया समझदार तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिएगा। लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज वो लाइक कर दीजिए और इसको भैया शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंचा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलो अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और इनके सप्त क्रांति के विचारों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सप्त क्रांति का इनका थॉट था वो क्या था। चलो इसको अब मैं आगे बढ़ाऊं, मैं पेन ले लूं फिर। थैंक यू आप लोग का कमेंट बता रहे हैं बच्चों कि सबके सब एक साथ कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तो भैया सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशन क्या थे लोहिया जी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इन्होंने लोहिया जी ने जो सप्त क्रांति का जो कॉन्सेप्ट दिया, 7 रेवोल्यूशन का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट था फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। सबसे पहली चीज जो इनका उद्देश्य था वो भारत के सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे। भारत के सामाजिक व्यवस्था में क्या करना चाहते थे? सुधार लाना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है, सप्त क्रांति का। चलो आगे क्या है यहाँ पे दिया। ओके, लाइक कर दिया वैशाली जी, थैंक यू भाई। ओके हाँ, बहुत लेट में लाइक किया, कुछ लोग बहुत बड़े लेट में लाइक करते हैं। ओके थैंक यू। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भारत के सामाजिक व्यवस्था पे सुधार के बारे में इन्होंने फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम तो 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले बोला है इक्वालिटी बिटवीन, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, मैन एंड वीमेन। तो भैया स्त्री और पुरुष में क्या होनी चाहिए? स्त्री और पुरुष में समानता के बारे में ये बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, स्त्री और पुरुष में समानता के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो राजनीतिक आर्थिक विचारधारा थी उसमें वो इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट में थे। कहने का मतलब आप यूं कह सकते हैं ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट में थे, यानी कि राजनीतिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए, ना ही आर्थिक रूप से असमानता होनी चाहिए। ये आर्थिक असमानता के क्या थे? ये अगेंस्ट में थे। ठीक है, और आर्थिक ही नहीं, साथ साथ पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज के भी अगेंस्ट में। और मैं आपको पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स क्या होता है कई बार आपको समझा चुका हूं। ओके अच्छा, थैंक यू भाई मीनाक्षी जी, लाइक मैंने फर्स्ट में ही कर लिया था। अच्छी बात है, बहुत से बच्चे पहले लाइक कर देते हैं। मैं देखता हूँ लेक्चर शुरू होने से पहले लाइक पड़े रहते हैं तो ये अच्छी बात है। फिर आगे देखते क्या होता है। फिर हम देखते हैं इन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट के बारे में बात की, यानी कि जो भैया जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, इन्होंने जाति व्यवस्था पे विरोध किया और इसके खुल के खिलाफ बोला। कहा इसी की वजह से गुलामियां और ये दास्ता सिस्टम था, इसका इसी की वजह से सबब था, तो किसी की कोई सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। तो फौरन तरीके से ये कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते थे। ठीक है। यही इनकी बोलते थे कि इन्हीं सारी वजहों से समाज में क्रांति लाया जा सकता है। और क्रांति का मतलब मैं बच्चों आप सबको समझा चुका हूँ, क्रांति का मतलब होता है कि समाज में हम कुछ रेवोल्यूशन चेंज लेकर के आ जाए। यानी कि अगर आज हमारे समाज में असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, आज हमारे समाज में शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी को क्रिएट कर दें, ये रेवोल्यूशन होगा। हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें, हम नफरतों को खत्म कर दें, ठीक है, तो भैया यही क्रांति होगी हमारे समाज में। तो लोहिया जी की भी कुछ ऐसी विचारधारा थी, तो इस तरीके से ये कुछ क्रांति चाहते थे जाति व्यवस्था के सारे चीजों को लेकर। आगे हम देख के चलते हैं, फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में थे। देखो भैया बहुत अच्छी, ये देखो फॉरेन डोमिनेशन का क्या मतलब होता है, आप यूँ कह सकते हैं ये एक सोवरेन नेशन के फेवर में थे आप, क्योंकि दूसरा इसका पहलू क्या होगा, ये सोवरेन नेशन के क्या थे, फेवर में थे। यानी सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु राज। संप्रभु राज का यही तो मतलब होता है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में कोई भी बाहरी देश इंटरफेयर नहीं करेगा, और किसी बाहरी देश का, बाहरी कंट्रीज का डोमिनेंस नहीं होगा हम पे। तो हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहेंगे, किसी का हम डोमिनेशन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये इसके अगेंस्ट में थे। बहुत अच्छी विचारधारा थी लोहिया जी की, और इसी वजह से उन्होंने बोला क्रांति। बिल्कुल समथिंग टू मैच फंडामेंटल राइट, सही कह सकते हैं आप। ओके प्रतीक्षा जी, हाउ मेनी क्लासेज आर कंडक्टेड ऑन पेपर फर्स्ट? तो अभी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो अभी देखो। चलो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, फॉरेन डोमिनेशन के ये अगेंस्ट में थे और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट में थे। देखो मैंने आपसे बोला ना बच्चों, ये कैपिटलिज्म के कैपिटलिस्ट, तो ये कैपिटलिस्ट क्लास था उसके भी ये अगेंस्ट में थे। ये बोलते थे भैया कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, पूंजीवाद की वजह से समाज में असमानता स्थापित होती है, मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है, सारा का सारा मैक्सिमम प्रॉफिट, सारा का सारा लाभ क्या हो जाता है, वो एक हाथों में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस वजह से लोगों को अपनी लिबर्टी और फ्रीडम का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे इनका मानना था। और फिर हम आगे लोहिया जी के बारे में देखते हैं, इन्होंने अपने प्राइवेट लाइफ इंटरफेरेंस को लेकर के भी बात की है कि भैया किसी के पर्सनल जीवन में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के प्राइवेट पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपसे बोला है कि लोहिया जी देखिएगा गांधी के विचारों से भी प्रेरित थे, और सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म की तरफ इनका विचार ज़्यादा था। इसी वजह से भैया ये जो आर्म्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, आर्म्स और वेपन, तो भैया ये आर्म्स और वेपन्स के क्या थे लोहिया जी, ये उसके अगेंस्ट में थे। आप ये कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह की बात करते थे, ठीक है, सत्याग्रह। और सत्याग्रह मैंने आपको अच्छे से समझाया है सेपरेट लेक्चर में, ओके। तो इस तरीके से लोहिया जी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों पूरी इनकी पॉलिसी थी, इनका पूरा का पूरा थॉट्स आज हमने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। तो आज आप देख लिए होंगे कि इनकी समाजवादी विचारधारा क्या है, तो इनका कई विरोध भी देखा कांग्रेस के साथ, फिर गांधी जी के साथ इन्होंने कहाँ तक फॉलो किया है, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, किस पार्टी को छोड़ा, इनके क्या मेन वर्क थे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। और बच्चों देखो पेपर वन की मैं बात बता दूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुझसे पेपर वन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल पर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहा हूँ, और अभी तक मैंने 10-11 लेक्चर वहाँ पर ले चुका हूँ, और हालांकि बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी शुरुआत हुई है, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वन तो बहुत ज़रूरी है ना आपके लिए भी। तो 5 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, धीरे धीरे आपको पेपर वन की और भी क्लासेस मैं दूंगा, मतलब और भी यूनिट लेकर के आऊँगा। और स्पेशल क्लास पे ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आप सबसे ये बात बोल रहा हूँ। 6 और 7 रिपीट कर दूँ, देखो 6 का मतलब है मैंने प्राइवेट लाइफ इंटरफेरेंस के बारे में बताया है कि किसी के भी निजी जीवन में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और आर्म्स एंड वेपन्स के ये खिलाफ थे, ठीक है, ओके। चलो प्रतीक्षा जी आपको भी डाउट क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था मेरा आज का क्लास, फिर हम आपसे 4 बजे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और कल 11 बजे फिर यहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर को शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों कि इतने अच्छे से पढ़ाई करिएगा कि आपका लेट्स क्रैक इट वाला सपना जो अनअकैडमी का है वो फुलफिल हो जाए, और शानदार तरीके से आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी अपकमिंग क्लासेज आपको यहाँ पे शो हो जाए। और हाँ प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड SAF10, आप जैसे ही हमारे रेफरल कोड SAF10 को यूज़ करते हैं गेट 10% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, तो 10% आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशल क्लास को आपको अनलॉक करने के लिए भी आप मेरी स्पेशल क्लास फ्री में देखने के लिए अनलॉक करने के लिए भी आपको वहाँ पे मेरा रेफरल कोड SAF10 ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करिए, मैं आपको आगे इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो जल्दी से अब 4 बजे क्लासेस फिर मिलते हैं Unacademy UGC NET के चैनल पर। ओके गाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए।